हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन। मैं विजय भान, आपका मेंटर। आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट मींस मैंने जैसे बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आज के लेक्चर में ओनली क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। सो जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त या फ्रेंड्स आपके हों या आप जो लाइव कर रहे हो आईआईटी जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उनको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम हो या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके कुमार केतन का पेज फॉलो करें और वहाँ से फिजिक्स के मटेरियल और वीडियो एंड पीडीएफ फाइल एक्सेस करें। ओके गाइज, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम मैं लिया हूँ सारा लगभग, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स 0 से 90 के बीच में एंड 2 sin² x = 1/2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। नाउ सोल्यूशन, 2 sin² x = 1/2, 2 को मैं यहाँ ले गया, 1/4 हो गया। sin² x = 1/4, sin x = कितना होगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1/4, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 1/2। तो आपसे बोला है जो साइन की जो वैल्यू हुई कहाँ से, एक्स की जो वैल्यू है कहाँ से, 0 से 90 बीच में, 0 से 90 बीच में साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम इसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसमें से नेगेटिव क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो sin x = क्या होगा, 1/2, एंड 1/2 साइन के किसके लिए होता है, 30 के लिए होता है। सो यहाँ पे एंगल कंपेयर करेंगे हम दोनों का, तो यहाँ एक्स क्या हो, एक्स किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, tan θ = 1/√7, देन द वैल्यू ऑफ cosec² θ - sec² θ + sec² θ क्या होगा। तो हमें गिवन किसका है, tan θ का वैल्यू, तो यहाँ पे tan दिख नहीं रहा है, क्या करते हैं इसको हम सिंपल सा sec² और cosec² चेंज करते हैं tan में। cosec² क्या होगा, cosec² कर दो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, cot में हो जाएगा, 1 + cot² θ, एंड sec² किस में होगा, आपको मैं प्रॉपर्टी पढ़ा था, 1 + tan² θ = क्या होता है, sec² θ। ना वही चीज़ यहाँ प्रूव करेंगे, sec² θ = पुट कर दूंगा 1 + tan² θ, तो माइनस बार होने के कारण दोनों का माइनस हो जाएगा, 1 कैंसिल आउट, नीचे भी ये सेम रहेगा, तो यहाँ 2 + cot² θ + 1 + tan² θ। तो यहाँ पे आ गया बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूँ, मैं तो यहाँ पे थोड़ा लेंदी प्रोसेस ले लिया हूँ, कॉट को टेन में चेंज किया हूँ, बट आपको बताना चाहूँगा मैं कि इससे भी आप थोड़ा से इजी कर सकते हो। यहाँ से tan θ = 1/√7 है, तो cot θ कितना होगा बच्चों, cot θ √7। तो सिंपल सा इस इक्वेशन में cot θ की जगह √7 पुट करना और tan θ जगह 1/√7, कल सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, पर बट मैंने थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस कर लिया हूँ, cot को चेंज कर दिया 1/tan², तो यहाँ पे सारा टर्म किसी tan में हो गया, तो हमने tan की वैल्यू यहाँ से लेके पुट कर दिया, तो यहाँ पे 1 - tan^4θ है, tan = कितना है, 1/√7 पुट करो यहाँ पे, तो 1 - 1/√7 का होल पावर कितना, 4 हो गया, और 2 × यहाँ पे देखो 10² है, 2 × 1/√7 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे 10^4 है, तो 1/√7 का होल पावर 4 हो जाएगा। इनको सॉल्व किया, पावर 4 मतलब 1/√7, जैसे 1/√7 का अगर एक बार स्क्वायर करोगे आप, क्या आएगा, 1/7 आएगा, और 1/7 का दोबारा स्क्वायर जब करोगे क्या क्या बच्चों, 1/49, 1 - 1/49 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ 2/7 + 1 ऐसे 1/49, इनको एलसीएम लिया तो 49 आया, एलसीएम तो 49 - 1, और यहाँ पे एलसीएम 14 लिया, 7 × 2 = 14, यहाँ 2 कितना जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, यहाँ पे 1 का डिनोमेटर कुछ नहीं है, तो 1/ यहाँ पे क्या मान लो, 1/1, तो यहाँ 49 आ गया आपका और प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 48/64 आया, जिसको सॉल्व को 3/4 आया आपका। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ तो ध्यान सुनिएगा आप लोग, cot θ + 1/cot θ = 2, देन वैल्यू ऑफ cot² θ + 1/cot² θ इज। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2013 में आए हुए थे। सिंपल सा जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसको हम लिख के एज इट
उसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉट थीटा प्लस वन अपॉन कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर मिला। इसको ओपन करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू कॉट थीटा इंटू वन अपॉन कॉट थीटा, इसलिए स्क्वायर किया था, कट जाएगा, क्या कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ फोर, ये टू क्या है, यहाँ चला जाएगा, तो फोर माइनस टू कितना होगा बच्चों, टू। तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, टू है आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर गिवन है, ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट कॉस बी प्लस सी बाई टू इज्कवल टू साइन ए बाई टू। आपको पता है इंटीरियर एंगल जो ट्रायंगल के होते हैं उनका सम 180 होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा आपका 180 होगा। वहाँ से बी प्लस सी निकाल के यहाँ पुट कर दें एक टर्म में, बी प्लस सी इज्कवल टू कितना 180 माइनस ए आया, बी प्लस सी जगह हमने पुट कर दिया क्या 180 माइनस एंगल ए अपन टू। अब क्या करो, इनको सेपरेटली डिवाइड कर दो, 90 माइनस एंगल ए बाई टू। आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन यहाँ पे कॉस 90 माइनस एंगल ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टू टेन थीटा। देखो बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा इनको ऑब्जर्व किया करो क्वेश्चन को, अगर इसको तुम इसको अगर एलसीएम लोगे इन दोनों का, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा, इक्कीस को एक फार्मूला बन रहा है क्या आइडेंटिटी। तो आपको पता है टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता क्या, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। तो ऐसा माइंड रख के इस तरह के सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम लिया तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉसिक थीटा इंटू कॉस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस कॉसिक थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया आपका, सॉरी, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया आपका। नाउ तो मिला के यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा इंटू कॉस, ये रिमेनिंग बचा है आपका, तो क्या होगा इसमें, इन दोनों प्लस वन और प्लस वन टू कॉस थीटा, और कॉस को मैंने चेंज कर दिया वन अपन साइन, आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपन साइन थीटा पुट कर दिया, और कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा, और नीचे ऑलरेडी कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर इसे कट किया नहीं बचा क्या हमें कॉट थीटा बचा, तो वन टू अपॉन कॉट थीटा है बचा, टू अपॉन कॉट, अब कॉट क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या होगा कॉट ऊपर जाएगा तो टेन हो जाएगा, तो टू टेन थीटा हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अगेन इस टाइप क्वेश्चन में हमें हमारा टारगेट होता है पहले रूट हटाना, तो रूट तो ऐसे हटा नहीं सकते, तो देखो कुछ बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको सेपरेटली रूट में रख लिया अलग अलग, लेकिन देखो अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा बच्चों, एलसीएम लिया इसको इधर जाए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी वन प्लस रूट में साइन थीटा, यहाँ भी वन प्लस साइन थीटा रूट में है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे रूट हट जाएगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा, तो क्या मिला आपका वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, अंदर 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 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो अब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, टू अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, टेन थीटा अपन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इन डॉट कॉस सेक थीटा। तो इसका सॉल्यूशन एलएचएस साइड लेते हैं, अगेन टेन और कॉट को साइन कॉस चेंज करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ पे, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व किया तो कॉस नीचे आ जाएगा, इसको एलसीएम लिया साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा बनेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज में थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम यहाँ लिया तो साइन थीटा बना कॉस थीटा हुआ, और साइन फिर ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल, और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ऐसे यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, सेम बनाने के लिए इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया क्या हुआ, तो यहाँ माइनस आ गया, तब अब देखो दोनों डिनोमीटर क्या है सेम है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेते हैं इसका, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई इसका होगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा आपका। नाउ अब ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया, ए क्यू माइनस बी क्या होगा, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर होता है, ए क्यू माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूँ मैं आपको लिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू देखो ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला होता है वन ब्रैकेट में ए माइनस बी नेक्स्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी होता है, आपको सेम फार्मूला यहाँ यूज करना आप लोग,
वही किया हूँ मैं। अब साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, वन होता है, इसकी वैल्यू वन होती है, यहाँ से ये कट गया, तो वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिला आपको, अब पाँच साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या सेपरेटली इनको डिवाइड कर दो, सेपरेटली डिवाइड किया जब वन अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब वन अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक एंड कॉस का सेक, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है ये मिल गया आपको, ये आरएचएस हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर एट में पढ़ते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस पावर फोर थीटा इज, जो गिवन है उस पर थोड़ा देखते हैं एक बार। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन है, तो देखो एक बार अगर इसके इधर भेजोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया बच्चों साइन थीटा। इस क्वेश्चन में देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर जगह साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा जगह साइन थीटा पुट कर दूँ, यहाँ पे भी इसको कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाओ तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो क्या अगेन वन के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि मैंने इसे किया हूँ, ये लिखा क्वेश्चन, इसके जगह साइन लिख दिया, ओके साइन इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। आपको इक्वेशन वन गिवेन भी है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गिवेन है, क्या वन के इक्वल है, इसका आंसर कितना वन हो गया। प्रूव दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसी को साइन कॉस चेंज करते सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया है ना, साइन रेस पावर फोर थीटा प्लस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन रेस टू पावर फोर थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर फोर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ इसका मिलता है, यहाँ मिला ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर मिला आपको, इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखना इसको, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर कब मिलेगा, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर करूं तो मिलेगा ए की पावर फोर बी की पावर फोर, वैसा यहाँ किया हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया तो मिला साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आपको पता है इसकी वैल्यू कितना होती है, वन होती है, वन पुट किया और इसको हमने करके इधर लाया यहाँ पे और ये यहीं छोड़ दिया, तो हमें यही तो निकालना है। इसके इक्वल मैं कर सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में उसको मैंने पुट कर दिया बस, देखो पुट कर दिया मैंने और इसको कुछ नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में इसके इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट गया आपका। या साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू। जहाँ भी एक आपको नहीं समझ में आया आप वीडियो पॉज करके थोड़ा ध्यान सोचेंगे जरूर समझ में आएगा आपको। फाइंड द एंगल ए एंड बी इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू एंड कॉस ए प्लस फोर बी इक्वल टू जीरो, ए ग्रेटर देन बी है यहाँ पे। अगेन सोल्यूशन करने से पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन होता है जो यहाँ गिवन रहेगा, सॉरी हाँ ये तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं, एक किसका वैल्यू है साइन 60 ए कॉस 90 वैल्यू, कुछ नहीं किए इनको हमने सपोर्ट किया और एंगल को कंपेयर कर लिया। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लेता है अक्सर, यहाँ दोनों एंगल को कंपेयर किया तो ए प्लस टू बी इक्वल 60 मिला और ए प्लस फोर बी इक्वल टू 90 मिल जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया तो बी इक्वल टू 15 आया, क्या किया 2 माइनस 1 किया तो ए कट गया, यहाँ टू बी इक्वल 30 मिला आपका, बी इक्वल 15। सिमिलरली ऐसे ए इक्वल टू कितना 30 मिल गया आपका, यहाँ से ए और बी कितना 30 और 15 है। आपको पता है दोनों कैसे एक्यूट एंगल है। कोई टाइम कम है इसे थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वो 11 सॉरी क्वेश्चन 11 थोड़ा इजी है लेकिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और अक्सर पूछ लेता क्वेश्चन एग्जाम में, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए ना कुछ मत करो। कॉट थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा अपन कॉट थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा इसको टू वन अपन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसे केस में ध्यान देखो, यहाँ पे वन की जगह कुछ बनाओ, वन की जगह हम कह सकते हैं, अब बताओ कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता ना एक आइडेंटिटी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या वन होता है, मींस वन की जगह लिख सकता हूँ, क्यों लिखना हो ऐसा। आपको पता है कॉसेक यहाँ पे तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा मिल जाएगा। तो बच्चों मैं इसको क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा एक बताना चाहूँ हिंट, मैं तो वन की जहाँ वन दो जगह है ऊपर नीचे दोनों है, आप लोग सर किस में करें, आपको जहाँ लगे वहाँ कर पुट कर सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। मैंने ऊपर से किया हो, नीचे से करोगे दो तीन स्टेप बच जाएगा, ऊपर से करोगे तो दो स्टेप बढ़ जाएगा। तो कुछ नहीं किया, वन की जगह क्या पुट कर दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो
यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ स्टेप में पुट कर दिया भाई। मैंने क्या किया, कॉस को इधर साथ में ले आया, इसके इस कॉस को यहाँ साथ में लाया, और वन की जगह पुट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बना दिया। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन है दोनों में, बाहर निकाल लिया उसको। बाहर निकालने के बाद देखिए अंदर क्या बचा, वन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपन कॉट थीटा माइनस कॉस, सेम चीज मिला, सेम चीज मिला, तो अब काट दो इसको। यहाँ क्या मिला, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, बट हमें प्रूव क्या करना है, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, कुछ मत करो, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो, तो वन होता है आपका, तो वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर आप नीचे वाले को अगर चेंज करते तो यही स्टेप बच जाता आपको, यही आपका आंसर आ जाता, कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू से के प्लस टेन ए। तो बच्चों ध्यान से देखो, वन प्लस साइन ए अपन वन माइनस साइन ए, अपन यहाँ रूट हटाना है, रूट कैसे हटाओगे आप, या तो यहाँ पे अंदर स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए। मैंने क्या किया, वन प्लस साइन ए इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, वन स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर बन गया ना बच्चों यहाँ देखो। तो इसीलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, तो यहाँ स्क्वायर बन गया, स्क्वायर जब बना तो स्क्वायर रूट हटा दो आप पे, यहाँ क्या मिला, वन प्लस साइन ए अपन कॉस से आपका को सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो मिला आपको से के प्लस टेन ए मिल गया आपका, यही आपका ड्राइव करना था आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, टेन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन रूट थ्री, देन द वैल्यू ऑफ टू साइन थीटा इंटू डॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, आप पी बाई बी यहाँ प्रूट करके यहाँ से सी ए निकाल लो, और यहाँ से मतलब हाइपोटेस मिल गया, तो वहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू पुट किया मैंने, जो कि लास्ट में आंसर आ गया आपका। इसको आप खुद से करना है, आप सोल्यूशन थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया नया है लेकिन थोड़ा समझने वाली है, अच्छा है, इजी है। टू पोल्स ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 15 मीटर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए प्लेन ग्राउंड, कहाँ वर्टिकली ऑन ए प्लेन ग्राउंड, यहाँ वर्टिकली रहेगा, वी ई आर वर्टिकली ऑन ए प्लेन ग्राउंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर फीट इज 5√3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स। देखो पूछ रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दिया है, डायग्राम बनाया हूँ तो देखिए ध्यान से, देखो डिस्टेंस दोनों के बीच दे दिया है और उनका लंबाई दे दिया है, हमें पूछ क्या रहा है, ये लेंथ पूछ रहा है ये। सर कहोगे बड़ा इजी है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में से हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाँ निकाल लेना इजी है, मैंने भी वही किया हूँ। AD निकालना है, तो AD क्या होता है, AD का AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, सॉल्व किया 5√7 आया। सिमिलरली BC निकालना है, निकाल लेना है यहाँ पे कितना आया, BC 10√3 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये रहा सोल्यूशन, इतना रहा। अब मैं थोड़ा टाइम कम है बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं किया हूँ, पर मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा, और नहीं आएगा तो आप जो क्वेश्चन आएगा उसका स्क्रीनशॉट या लेके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो नीचे लिंक दिया है, अदर ग्रुप भी हैं, आप देखिएगा उन पे, और उन पे अपना क्वेश्चन शेयर करिएगा, आपको सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा, मैं खुद दूंगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, मैं श्योर कर रहा हूँ, अगर इनको आप ठीक से पढ़ कर लोगे तो एक क्वेश्चन जरूर श्योर आ सकता है इन जो अनसॉल्व है, इसमें से अच्छे क्वेश्चन है, तो करिएगा। और भी क्वेश्चन मैं उसी में, आप जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आओगे तो मैं आपको वहाँ पे और भी क्वेश्चन दूंगा, PDF फाइल दूंगा, नोट्स भी आपको वहाँ पर सब प्रोवाइड कराऊंगा, तो थोड़ा आप इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान दीजिए करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए लेसन के साथ। ओके।